आ ही नहीं रहे हो। महत्वपूर्ण सौगात ग्वालियर शहर के लिए है। फूलबाग में स्थित 132 केवी का ये एक जीआईएस सिस्टम के आधार पर एक नवनिर्मित सबस्टेशन बनने जा रहा है। इसकी महत्व इस बात में पड़ती है कि करीब करीब 1,00,000 लोगों को इससे लाभ सीधे सीधे मिल पाएगा। जो वर्तमान में वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होती है या वोल्टेज में कमी होती है, उसका पूर्ण समाधान होगा। इसी के साथ ये गैस इंस्ट्रूमेंट सिस्टम के आधार पर, मतलब नई टेक्नोलॉजी के आधार पर स्थापित एक सबस्टेशन है, और इस नई टेक्नोलॉजी पर स्थापित ये सबस्टेशन के आधार पर जो खास करके उन इलाकों के लिए बनाई गई है पूरे विश्व में, जहाँ आबादी बहुत घनी होती है, तो कम जगह में एक बड़ा सबस्टेशन इसके आधार पर स्थापित होता है। ऐसे सबस्टेशन, आपको भी आश्चर्य होगा ये सुनते हुए कि देश में केवल 3 हैं और मध्य प्रदेश में ये पहला बनने जा रहा है ग्वालियर में। तो अत्याधुनिक है। लाभ हमारे करीब करीब 20 वार्डों के जनता को मिलेगा, फूलबाग को लेते हुए समूचे इलाके में। और इसी के साथ साथ आने वाले दिनों में जो वोल्टेज की कमी की कठिनाई होती थी, उसका पूर्ण समाधान भविष्य के लिए हो पाएगा। सर, पट्टा वितरण करने जा रहे हैं अब, वहीं जाएंगे।